नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सिजल आपके साथ। आज पांचवें चरण के चुनाव में बिहार के 5 लोकसभा सीटों का चुनाव संपन्न हो चुका है, जिसमें मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, मधुबनी, सारण और सीतामढ़ी आता है, जिसके चुनाव आज संपन्न हो चुके हैं। वोटिंग परसेंटेज भी लगभग जारी हो चुका है। ऐसे में कई जगहों पर काफ़ी उदासीनता दिखाई दी है वोटरों में। काफ़ी वोटिंग बूथ ऐसे मिले हैं जहां पर सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसी रीज़न क्या आ गई जो इस बार वोटिंग सन्नाटा, वही कई जगह वोटिंग का बहिष्कार भी किया गया है लोगों के द्वारा, इन सब चीज़ों पर आज हम बात करेंगे। जिसको चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार प्रभात कुमार, उसके साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट अरुण कुमार सिंह जी, उनसे भी बात करेंगे हम कि क्या मुद्दा है इस बार, क्यों इस बार वोटरों में उदासीनता है इन पांचों क्षेत्रों, पांचों लोकसभा चुनाव जो हुआ है बिहार का, आज जो पांचवें चरण में हुआ है। पहले तो जानेंगे कि क्या परसेंटेज अभी तक रहा है वोटिंग का। पूरे बिहार में अभी तक लगभग 60% के आसपास वोटिंग हुई है, लेकिन सबसे खराब परसेंटेज मधुबनी की है और मधुबनी में 49.5% तक हुआ था मैक्सिमम, वहाँ 55% वोटिंग संभव है। वहाँ काफ़ी उदासीनता बूथों पर दिखी और कई जगहों पर कई लोग एकदम खाली सन्नाटा दिखा, लोग बारी बारी से आते रहे दिन भर। इस तरह का ट्रेंड और भी जगह पर दिखा है, लेकिन वहाँ सबसे ज़्यादा खराब स्थिति थी। सारण में भी अच्छी स्थिति नहीं दिखी, सारण में भी वोट का परसेंटेज 50 के आसपास है और वहाँ भी हमको लगता है कि 55-56% से ज़्यादा वोट नहीं। यहाँ रूढ़ी जो है, भाजपा के जो उम्मीदवार हैं, केंद्रीय मंत्री भी एक बार रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में, उन्होंने मतदान में गड़बड़ी और दहशत की भी शिकायत की है। अब दहशत की शिकायत और इस तरह का गड़बड़ी की शिकायत मतदान में अक्सर होती है, लेकिन जिस तरह से वहाँ मतदान का परसेंटेज गिरा है, यह कहीं ना कहीं लगता है कि वहाँ बहुत सख्त मतदान हुआ है और कांटे की टक्कर भी है। और जहाँ तक सवाल है हाजीपुर का, हाजीपुर में मतदान औसत है और काफ़ी लोग शुरू में निकलकर बूथ पर आए थे, सुबह में अच्छी खासी वोटिंग शुरू हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे सन्नाटा हुआ। आज मौसम के अच्छा होने के बावजूद भी जो उम्मीद किया जा रहा था वोटिंग परसेंटेज, वो वोटिंग परसेंटेज न हाजीपुर में दिखा, न सीतामढ़ी में दिखा, न मुजफ्फरपुर में दिखा और न सारण में दिखा और न मधुबनी में दिखा। मधुबनी और सारण की स्थिति कुछ अलग तरह का संकेत दे रही है। वैसे अंतिम परिणाम तो 4 जून को आएगा। मुजफ्फरपुर में जहाँ तक सवाल है, मुजफ्फरपुर में भी परसेंटेज ठीक ठाक दिख रहा है, लेकिन जो यहाँ भ्रमण के क्रम में जो स्थिति दिखी, उसमें काफ़ी मतदाता उदासीन दिखे। कई मतदान केंद्रों पर मतदाताओं को कुरेदने पर उन्होंने कहा कि वो उनके बातचीत से ऐसा लबोलुआब सामने आया कि वो उम्मीदवार से ना खुश हैं, दोनों महागठबंधन से बहुत खुश नहीं है, इसलिए वो उत्साहपूर्वक वोटिंग नहीं कर रहे हैं। तो मूल कारण क्या लग रहा है सर, इतनी उदासीनता क्यों है वोटरों में? नहीं, देखिए, एक तो है कि जो बिहार की समस्या है, पलायन की समस्या, कि शहरी क्षेत्र से भी पलायन है और देहाती क्षेत्र से भी पलायन है लोगों का, तो एक वोट परसेंटेज कभी भी बिहार में आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि 70-75% जो दूसरे प्रांतों में हो जाता है वो यहाँ पर हो सकता है। पहली बात तो ये है मोटा मोटी। लेकिन इस बार ऐसा लगा, सबसे आश्चर्य लगा कि मैं जब मझौलिया में, चंदवारा में मैं जब घूम रहा था, तो मैंने देखा कि मुस्लिम वोटरों में उत्साह की कमी है। तो मैंने पता लगाने का प्रयास किया कि भाई मुस्लिम लोग तो एग्रेसिव होके कांग्रेस को वोट करते हैं, ये मुजफ्फरपुर में क्या मामला है कि वोट नहीं हो रहा है। तो ऐसा लगा कि ये लोग 10 वर्षों में जो यहाँ के कांग्रेस के उम्मीदवार जो बन के आए हैं, ये भाजपा के उम्मीदवार थे और जब भाजपा में ये थे तो इन्होंने खुल के जम के मुसलमानों को, बहुत सारे चीज़ों के लिए मुसलमानों को जिम्मेवार माना था,
और उनका कहना था कि साहब मुसलमान लोग ही कोरोना को जो फैलाने में मुसलमान लोग का ही हाथ है। तो ये ऐसा लगा कि उन लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि हम आखिर किसको वोट करने जा रहे हैं, कौन आदमी को वोट करने जा रहे हैं जो अभी तक 10 वर्षों से बीजेपी में था और इस समय कांग्रेस ने उसको टिकट दे के दी। तो मुजफ्फरपुर की बात होगी, सर ने कहा कि मधुबनी की स्थिति काफ़ी ख़राब रही है, तो वहाँ नहीं, मधुबनी पर ज़्यादा विस्तार से हम लोग नहीं कह सकते हैं क्योंकि हम लोग मुजफ्फरपुर क्षेत्र में ही हम लोग मूवमेंट में थे और इसलिए मधुबनी की बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन हमको लगता है कि कमोवेश जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो थोड़ा एक जनरल में भी उदासीन हैं और उसका एक दो कारण लोग के सामने में आता है। जैसे कुछ लोग तो ऐसा है कि जो समझ चुके हैं कि नहीं साहब फलने आदमी फला जो ये गठबंधन है उसी की सरकार बनने जा रही है, तो एक दिमाग में है, तो लोगों के तो साइकोलॉजी एक है कि साहब अरे हम नहीं भी जाएंगे तो वही होगा, तो इस तरह की बात भी जो है सो सुनने में आई है। और हमको ऐसा लगता है, सीतामढ़ी में परसों हम गए हुए थे और परसों हम सीतामढ़ी में थे और सीतामढ़ी का भी जो वोटिंग परसेंटेज है, जो हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि वहाँ पर बिहार विधान परिषद के सभापति चुनाव लड़ रहे हैं और काफ़ी वहाँ उनका उनकी लोकप्रियता है, लेकिन उसके बावजूद भी हाँ एक बात ज़रूर है कि जो महागठबंधन से भी जो उम्मीदवार थे जो ये थे उनकी भी कोई लोकप्रियता वहाँ नहीं थी और हम लोग इनके बारे में समझते थे कि इनका एक जो बहुत बड़ा एक ये ऑरा है इनका और हेल्प भी करते हैं कैंसर पेशेंट्स वगैरह को मुंबई में हेल्प करना या और लोगों को भी उस तरह से हेल्प करना, लेकिन उस हिसाब से वहाँ भी हम लोगों को थोड़ा निराशा हाथ लगी है कि सीतामढ़ी में भी उस तरह से बम्पर वोटिंग नहीं हुई है। और सारण की जहाँ तक बात है तो आश्चर्य का विषय है कि जहाँ लालू यादव की पुत्री जो किडनी जिसने दान किया हुआ है वो चुनाव लड़ रही है और वोटर में उदासीनता है, तो उसका हमको कारण लगता है कि वो जो तेज प्रताप यादव के जो शादी वहीं पर हुआ था छपरा के ही वो लोग हैं और वो पूरे तरह से ये एनडीए के साथ इस बार घूम रहे थे और कह रहे थे कि भाई हमारी बेटी के साथ न्याय होना चाहिए, तो लगता है कि उसका भी असर वहाँ के खास करके यादव मतदाताओं पर पड़ा है। और इसलिए चूँकि वहाँ पर हम लोग समझ रहे थे कि अगर वहाँ काफ़ी एग्रेसिव होके अगर यादव लोगों की वोटिंग वहाँ पर होगी तो वो उनके फायदे में जा सकता है, लेकिन रूढ़ी भी बहुत लोकप्रिय हैं और वहाँ इसका मतलब है कि रूढ़ी के जो वोटर्स थे उनका भी बहुत एक तरह से कहें कि बहुत एग्रेसिव होके उन लोगों ने भी वोटिंग नहीं किया है। इसलिए सचमुच में प्रभात जी का जो कहना है कि कांटे की कांटे की लड़ाई है। और एक चीज़ और देखने में आया कि जो वो कैंडिडेट को कोई वोट देता हुआ नज़र नहीं आया। हाँ एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हम ये कहना चाहते हैं खास करके मुजफ्फरपुर के बारे में कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा जाता है कि वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, लेकिन हमको कार्यकर्ता कहीं नहीं मिले कि एक जगह भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उन लोगों ने ये उसको क्या कहा जाता है पुर्जा पहुँचाने का काम उन्होंने नहीं किया। अगर उन लोगों ने पुर्जा पहुँचाने का काम किया होता तो आज भाजपा का वोट बहुत ज़्यादा अभी परसेंटेज बढ़ा हुआ होता, पहली बात। और फिर जो ऐसा भी सुनने में हमको आया कि छोटी छोटी गाड़ियों का भी इंतजाम भाजपा की तरफ से था और कार्यकर्ताओं को दिया गया था कि वो वोटर्स को जो खास करके जो बुज़ुर्ग हैं ऐसी इस तरह के लोग हैं और महिलाएं हैं उनको लाने का प्रयास किया जाए, लेकिन एक भी जगह पर हमने उस तरह का इलेक्ट्रिक व्हीकल जिसकी बात कही जा रही थी इलेक्ट्रिक रिक्शा का उसको हमने कहीं नहीं देखा। तो इसका मतलब ये स्पष्ट रूप से निकलता है कि अब भाजपा को एक बार पुनर्विचार करना पड़ेगा कि उसकी पार्टी सचमुच में कार्यकर्ताओं की पार्टी है या नहीं है। तो एक ये बात हमको देख, और कांग्रेस को तो कोई संगठन है ही नहीं, तो कांग्रेस को अगर कार्यकर्ता नहीं था तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी क्योंकि कांग्रेस का कोई संगठन मुजफ्फरपुर में है ही नहीं, वो आरजेडी पर डिपेंड कर रही थी और आरजेडी ने बहुत ही मतलब एक तरह से कहा जाए कि आरजेडी बिल्कुल उत्साहहीन होकर वो जो है सो इस चुनाव में लगा हुआ था, उसको कोई उत्साह नहीं था, उसके लोगों को कोई चिंता नहीं थी कि उसका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इसलिए वहाँ उसका नहीं होना हमको आश्चर्य नहीं दे रहा है। लेकिन जो भाजपा के लोग नहीं थे, भाजपा का कार्यकर्ता उपस्थित नहीं था, मैंने भगवानपुर में देखा, मैंने मझौलिया में देखा, मैंने ये क्या कहा जाता है यहाँ सूतापट्टी के पास मैंने देखा, तो कहीं भी भाजपा का कार्यकर्ता का पता ही नहीं था। सर जैसे कि कहा अरुण कुमार सिंह ने कि
भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद नहीं थे, लेकिन यहाँ पर मुजफ्फरपुर में कांग्रेस के ऐसा कोई संगठन नहीं है तो वो आरजेडी पर डिपेंड करती है, तो आरजेडी भी उदासीन थी, इस पर आपका क्या कहना? देखो, दो तीन बात हम सर के बातों का जवाब देना चाहते हैं। एक बात कि सर ने जो कहा पलायन, बिहार के साथ एक बड़ा दर्द है कि जो भी हो काफ़ी विकास हुआ है, सब कुछ हुआ, लेकिन रोज़गार के अवसर यहाँ बहुत कम पैदा हुए हैं। इसके कारण पलायन का दर्द भी है, बच्चों को पढ़ने के लिए भी अन्य राज्यों में जाना पड़ता है, तो मैंने पूरा कोटा बिहार के स्टूडेंट से भरा हुआ है, तो एक पलायन का तो एक मामला समझ में आता है। लेकिन आज मौसम जितना अच्छा था और उसमें इतना कम वोटिंग, जो बिहार में औसत वोटिंग अब तक हुई है लगभग उसके आसपास है, तो निश्चित तौर पर जो उम्मीदवार हैं चुनाव में, वो चाहे मुजफ्फरपुर में हो या सारण में हो या सीतामढ़ी में हो या हाजीपुर में हो, उम्मीदवार का एक बड़ा फैक्टर हमको दिख रहा है, पूरा चयन ओवरऑल हमको एक उम्मीदवार का, कि उम्मीदवार को लेके उत्साह हमको नहीं दिखा कहीं भी किसी भी क्षेत्र में। और जहाँ तक महागठबंधन का सवाल है, उनका अपना जो सेटअप है वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। मुजफ्फरपुर में यह निश्चित तौर पर 10 साल से अजय निषाद पहले भी सांसद थे, उनके पिताजी भी सांसद थे, आरजेडी और उनका व्यक्तिगत जो सेटअप था वो मैंने भी देखा कि वो बीजेपी से बेहतर काम कर रहा था, लेकिन इसके बावजूद कई बूथ पर दोनों के पोलिंग एजेंट तक नहीं थे, ये बहुत आश्चर्यजनक है। और जिस तरह से मतदाताओं में उत्साहहीनता थी, और उसका एक बड़ा कारण ये बताया जा रहा है कि 20 साल से जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां माने एक ही प्रयोग लगातार मुजफ्फरपुर की धरती पर कर रही है, उससे यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग में खासा नाराज़गी है। दूसरा मामला जो मधुबनी का है, मधुबनी में भी हमको लगता है कि उम्मीदवार का मामला है, एनडीए के कई उम्मीदवारों को बदलने की बात आई थी लेकिन उसको नहीं बदला गया। सीतामढ़ी में भी अरुण बाबू बोल रहे थे कि जो हम उम्मीद करते थे वहाँ जाने पर वैसी स्थिति नहीं दिखी। सुनील कुमार पिंटू और रमा देवी का असर हमको सीतामढ़ी में दिख रहा है और दिखेगा या परिणाम में भी दिखेगा। और जहाँ तक उन आरजेडी और महागठबंधन का सवाल है, उनके वोट बढ़ा है, उनका वोट घट नहीं रहा है, ये हम जो आंकड़े और जो हमको पिछले 2019 से और आज 24 में जो कंपैरिजन मैंने किया है उसमें कई आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पासी का 100% वोट जो 2019 में वो बीजेपी को मिला था, एनडीए को मिला था, वो इस बार अलग हो गया है, पासवान वोटर दरक गए हैं, उसमें भी 20% 25% 30% जो दाढ़ी दारू का कारोबार करते हैं उनकी नाराज़गी है, उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। अति पिछड़ा में भी कुछ सेंध लगा है, मैं बहुत आश्चर्यचकित था, एक गांव में जो मुसहर बहुल गांव था वहां भी 50-50 की स्थिति थी, ये बहुत आश्चर्यजनक था। नाराज़गी में 10-5% भूमिहार राजपूत का जो भी लोग हैं, अगली जाति भी मैंने जिस तरह का कैंडिडेचर है उसको लेकर कई जगहों पर हमको रिएक्शंस दिखने मिला है, लेकिन ये तो तय 2004 का जो 2000 ये 4 जून को जो फैसला होगा 2024 के चुनाव का, उसी दिन ये पता चल सकेगा। और ये असली फैसला जनता का है और जनता ही इसको तय करेगी। अच्छा, औराई में काफ़ी बहिष्कार हुआ है वोटों का, तो उस पर क्या? नहीं, वो देखिए कि जो औराई एक पिछड़ा मुजफ्फरपुर के ज़िले का एक पिछड़ा इलाका है और बाढ़ ग्रस्त है वो, तो नेचुरली जो बहुत सारी जो वहाँ पर सुविधाएं नहीं दी गई, सुविधाएं नहीं हैं, कठिनाइयां हैं, तो नेचुरली जो है सो अब जहाँ सब लोग एक जमात हो गई कि नहीं साहब हमको नहीं देना है, तो उन्होंने हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए था लेकिन उन्होंने बहिष्कार किया है। और हमको लगता है कि नोटा भी बहुत लोगों ने दबाया होगा, जो स्थिति अभी है उसमें मुस्लिम लोगों ने भी नोटा दबाया होगा यहाँ काफ़ी, और दूसरे लोगों ने भी नोटा दबाया होगा। लेकिन एक बात तो हम आप यहाँ रखना चाहते हैं, वो है हाजीपुर का, क्योंकि हाजीपुर जो है सो रामविलास पासवान जी का वो क्षेत्र है और उसको बहुत अच्छे से उन्होंने उसको एक हृदय से लगा के उस जगह को रखा है। और इसीलिए चिराग पासवान जी कहते भी थे कि भाई मेरे पिताजी को ने इसको बनाया है, संवारा है, तो हमको यहाँ रहना चाहिए।
तो हमको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं चाचा का कुछ पेंच जो है वो वहाँ पर काम कर रहा है, और चाचा भीतर भीतर कुछ पारस जी जो हैं वो कुछ ऐसा उन्होंने किया है जिसके चलते वहाँ भी जनता उदासीन हुई है। और आश्चर्य का विषय है कि चिराग पासवान चुनाव लड़ रहे हों और वोटिंग का परसेंटेज मुजफ्फरपुर से भी कम हाजीपुर में हो जाए, तो ये एक आश्चर्य का विषय हम लोगों के लिए ज़रूर है। लेकिन ये भी हो सकता है कि लोग समझ रहे हों कि नहीं साहब, चिराग पासवान एक बड़ी हस्ती हैं और प्रधानमंत्री के चहेते हैं, अब हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री उनको बहुत ही खुल के उनके बारे में उनको अपने पुत्रवत मानते हैं, तो लोगों को लगा हो कि साहब ये जीत ही रहे हैं तो फिर हम लोगों को लाइन लगा के जाने की क्या ज़रूरत है, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन एक बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात इन्होंने प्रभात बाबू ने कही है, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि मौसम आज बहुत अच्छा था। इसके पहले जितने फेज, चार फेज जो हुए हैं उसमें प्रतिकूल परिस्थितियों में लोगों ने मतदान किया है, और तभी भी मतदान का प्रतिशत लगभग वही है जो आज सुबह से ही ठंडा मौसम था, हवा चल रही थी और बीच बीच में बारिश भी हो रही थी, और उसमें भी उस परिस्थिति में भी ये हुआ है। मतदान प्रतिशत अगर कमा है तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है, ऐसा हम समझते हैं। सर, जैसा कि कहा सर ने कि मतलब पारस गुट कहीं ना कहीं रामविलास गुट पर कुछ ऐसा पेच कस रहा है, तो क्या हाजीपुर में तीन चार फैक्टर काम कर रहा है जो शुरू से कर रहा है। उसमें एक बड़ा फैक्टर उनके पार्टी का भी है, उनके पार्टी में जो बड़ी टूट हुई और एक उनके बड़े नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष से जहानाबाद के सांसद अरुण कुमार और वो अलग हुए थे, संजय सिंह, रविंदर सिंह, वो रेणु कुशवाहा, सतीश कुमार, एक बड़ा कुनबा जो उनके बहुत कठिन दिनों में जिस समय उनकी पारस से चार सांसद को लेकर उनसे अलग हो गए थे, उस समय छः में से पांच एक समय ऐसा है कि सांसद चले गए पारस जी के साथ और केंद्रीय मंत्री बन गए। उस समय जिन लोगों ने सहारा दिया था उनको इस बार टिकट के मामले में चिराग जी ने जिस तरह से बेसहारा कर दिया उसका भी एक दर्द है। चाचा को भी और पूरे परिवार को भी जिस तरह से उन्होंने अलग किया उसका भी एक दर्द है। सिर्फ बहनोई को जमुई में एडजस्ट करके पूरा चाचा, दोनों भाई जो थे रामविलास जी के, उनके परिवार का सफाया करना, ये तो निश्चित तौर पर पेच पैदा कर रहा है। और एक और बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ जो मुझे देसरी और कई जगह जो कुर्मी बहुल इलाका है उसमें जाने पर जो पता चला और जो हमको जानकारी वहाँ से मिली है, वैशाली में गोरौल में भी पता चली है कि वहाँ पर जो कुर्मी मतदाता हैं वो खासा नाराज़ हैं 2020 के चुनाव को, 19-20 के चुनाव में जो जिस तरह से उन्होंने अभियान चलाया था चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ, वो उन लोगों ने 2020 का बदला 2024 में करके एक अभियान चला रखा था, और कुशवाहा समाज में भी बड़ी टूट हो गई, तो इसलिए वहाँ स्थिति। लेकिन जो राजपूत समाज में जो बड़ी टूट हुई थी वो साथ होने के कारण चिराग पासवान जी को काफ़ी राहत मिली है, रामा सिंह के आने से काफ़ी राहत है, लेकिन लड़ाई वहाँ बहुत कांटे की होगी। धन्यवाद। तो जैसा कि हमने बात किया और आपको बताया किस हिसाब से पांचवें चरण के चुनाव में मतदान हुआ है, काफ़ी परसेंटेज घटा है, मौसम अनुकूल स्थिति में होने के बावजूद इस बार भी पिछले चार मतदान के मुकाबले इस बार भी वोटिंग परसेंटेज उसी के बराबर रहा है। तो फर्स्ट लुक बिहार आप सभी मतदाताओं से एक ही अपील करता है कि कृपया वोटिंग बूथ पर जाएं और अपने मत का प्रयोग करें। तो इस खबर में बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।